प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया था और पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था कि उसमें कौन कौन सी मदें आती है। देखो इनकम में दो मदें आती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें आती है वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करने से जो इनकम प्राप्त होती है वो आती है, और अदर इनकम में जैसे ब्याज प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया, किराया प्राप्त किया, स्थायी संपत्तियों को बेचने से प्रॉफिट हुआ, ऐसी जो इनकम आती है यानी कि व्यापार के अलावा अन्य कार्यों से वो अदर इनकम है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम का हम टोटल कर देते हैं, टोटल रेवेन्यू आ जाती है। उसके बाद में एक्सपेंसेज आते हैं, वो एक्सपेंसेज को हम क्या करते हैं टोटल रेवेन्यू में से लेस करते हैं। अच्छा ऐसे जो एक्सपेंसेज होते हैं उसको हम क्या करते हैं सात भागों में बांटते हैं। पहला पॉइंट है आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा नंबर आता है आपके परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा नंबर आता है आपके चेंजेज इन इन्वेंट्री, चौथा नंबर जो आता है आपके इसमें एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, और पांचवें नंबर पर आता है फाइनेंस कॉस्ट, छठे नंबर पर आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टिजेशन, और सातवें नंबर पर आता है अदर एक्सपेंसेस। इस प्रकार के ये सात एक्सपेंसेस होते हैं, इन सब का टोटल करके हम टोटल रेवेन्यू में से लेस कर देते हैं तो फिर आ जाता है रेवेन्यू बिफोर टैक्स, और टैक्स होता है तो उसमें से लेस कर देते हैं तो रेवेन्यू आफ्टर टैक्स आ जाता है। ठीक है, तो हमने कुछ दो छोटे छोटे क्वेश्चन भी किए थे उसमें पूरी पेंडल की वो मदे नहीं थी और उसमें एक एक हेडिंग ही थी। अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ, उस इलस्ट्रेशन में आपको पूरा पी एंड एल स्टेटमेंट बनाना है। हालांकि उसमें पी एंड एल स्टेटमेंट की सारी मदें नहीं है, लेकिन उसमें जो मदें दे रखी है बस उसमें ध्यान रखना है कि ये जो मद है कौन सी हेडिंग में आएगी, उसका ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने गलत हेडिंग में दिखा दी है तो आपका क्वेश्चन है वो गलत माना जाएगा। तो इसमें देखो आपके आज मैं बता रहा हूँ इसका पाँचवा इलस्ट्रेशन, पेज नंबर 243। पाँचवा जो इलस्ट्रेशन है इसमें दे रखा है सूचनाएं दे रखी है और सूचनाओं की सहायता से हमारे को टोटल पी एंड एल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। तो इसमें सबसे पहले हम दिखाते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसमें क्या क्या आता है ये मैंने आपको बताया था, दो मदें आती है वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो प्रश्न में देख लो इसमें गुड्स और सर्विस दोनों है या एक है तो वही लिखनी है अपने को। इसमें केवल सेल्स दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा है तो हम इसको केवल सेल्स भी लिख सकते हैं, सेल ऑफ गुड्स का मतलब वही होता है और ब्रैकेट में से लिख दो सेल्स, और इसमें जो सेल्स का जो अमाउंट है वो दे रखा है 32 लाख। सेल्स में से हम क्या करते हैं सेल्स रिटर्न घटाते हैं यदि हो तो, लेकिन इसमें क्या है सेल्स रिटर्न की कोई मद नहीं है, सेल्स रिटर्न की कोई मद नहीं है तो यही अपने नेट सेल्स मानी जाएगी। इसके बाद में आता है आपके सेल ऑफ स्क्रैप, तो सेल ऑफ स्क्रैप कई बार क्वेश्चन में होती है कई बार नहीं होती है, तो इसमें देख लो सेल ऑफ स्क्रैप है क्या, इसमें दे रखा है आपके सेल ऑफ स्क्रैप, तो सेल ऑफ स्क्रैप है वो भी हम दिखा देंगे। सेल ऑफ स्क्रैप है वो दे रखा है इसमें 90,000। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम वो है आपके 32,90,000, ये आ गया आपके टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद में आता है आपके अदर इनकम, अदर इनकम में हम क्या करते हैं कौन कौन सी मदें दिखाते हैं, जैसे हमने ब्याज प्राप्त किया, किराया प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया, स्थायी संपत्तियों को बेचने से प्रॉफिट हुआ, पट्टा प्राप्त किया, ऐसी कोई भी इनकम जो व्यापार के अलावा अन्य कार्यों से होती है वो हम अदर इनकम में दिखाते हैं। तो ये पांचवा जो इलस्ट्रेशन है इसमें से आपके मदें है वो छांटनी है कि इसमें अदर इनकम में कौन सी मदें दे रखी है। इसमें इनकम में अदर इनकम में केवल एक ही मद दे रखी है लास्ट के अंदर, ब्याज प्राप्त किया इंटरेस्ट रिसीव 30,000,
एक ही इनकम दे रखी है तो एक ही हम दिखा देंगे, इंटरेस्ट रिसीव 30,000, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू है ये, हमने टोटल लगा दिया इसका 33,20,000, ये टोटल रेवेन्यू आ गई। अब टोटल रेवेन्यू में से हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेज है वो हम लेस करेंगे, और एक्सपेंसेज के लिए मैंने बताया था कि इसमें 7 हेडिंग होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके हर क्वेश्चन में 7 एक्सपेंसेज हो, बस ये ध्यान रखना है कि वो मेन हेडिंग है 7, उनमें से जो एक्सपेंसेज दे रखा है वो किस हेडिंग का है, जिसका दे रखा है वही अपन हेडिंग डालेंगे, जो नहीं दे रखा है उसको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें आपके एक्सपेंसेस की सारी मदें नहीं आएगी, इसलिए मैं इसको मिटा करके टोटल रेवेन्यू है वो लिख देता हूँ, और फिर एक्सपेंसेस की मदें है वो लिख देता हूँ। तो देखो इसमें आपके 33,20,000 है आपके टोटल रेवेन्यू, तो ये टोटल रेवेन्यू है, ये लिख देता हूँ मैं, टोटल रेवेन्यू है आपके 33,20,000, ठीक है। अब टोटल रेवेन्यू में से हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस है वो लेस करते हैं, और एक्सपेंसेस है वो मैंने बताया था कि 7 है, तो सबसे पहले आपके आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है इसमें है क्या, पहले तो प्रश्न में देख लो, अगर दे रखा है तो हम लिखेंगे, नहीं दे रखा तो लिखने की जरूरत नहीं है, पहले नंबर पर। तो इसमें देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या आता है, आपके कच्चा माल हमने जो खरीदा है उसे कच्चा माल के ओपनिंग स्टॉक उसमें से परचेज किया वो हम जोड़ देते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देते हैं। कच्चे माल का रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक होता है उसमें परचेज हम ऐड करते हैं, और कच्चे माल का क्लोजिंग स्टॉक उसमें से लेस कर देते हैं, तो वो आता है आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो इसमें रॉ मटेरियल का कोई एडजस्टमेंट है क्या, पहले प्रश्न में देखो, इसमें देखो रॉ मटेरियल का नहीं है, यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वाला जो एक्सपेंस है वो इसमें नहीं है, और वैसे भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है उसी में आता है जो उत्पादन करती है जो संस्थाएं, निर्मित माल जो खरीदती है उनके लिए ये मत नहीं आती। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बाद में दूसरे नंबर पर आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, माल का पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से जो माल खरीदा जाता है वो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में आता है। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है वो इसमें दे रखा है 13,20,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट ही हम दिखा देंगे 13,20,000, ठीक है। इसके बाद में देखो आपके, या हम इसमें डायरेक्ट वहाँ पर भी दिखा सकते हैं क्योंकि और एडजस्टमेंट हमारे को करने पड़ते हैं, तो इसको 13,20,000 है इसको मैं डायरेक्ट उसी में दिखा देता हूँ क्योंकि ये लेस होगा, 13,20,000 ये सारे एक्सपेंसेज है ये नीचे के, ये लेस हो जाएंगे 33,20,000 के। तो दूसरे नंबर की जो मद है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है वो तो आ गई। इसके बाद में आता है आपके चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, तो चेंजेस इन्वेंट्री जिसमें दे रखा है तो इसलिए उसकी एडिंग है हम लिख देंगे। अतः चेंजेस इन्वेंट्रीज है इसमें मैंने बताया था कि इसमें 3 पॉइंट आते हैं, निर्मित माल का स्टॉक, अर्धनिर्मित माल का स्टॉक, और स्टॉक इन ट्रेड का, ठीक है। तो इसमें प्रश्न में देखो आपके कौन कौन से दे रखे हैं, क्या दे रखा है इसमें आपके, जो दे रखा है ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड है वो दे रखा है 1,40,000, और क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड है वो दे रखा है इसमें 2,00,000, स्टॉक इन ट्रेड का ही दे रखा है। तो मैंने बताया था अभी, क्योंकि जो संस्थाएं वस्तु का उत्पादन नहीं करती है वहां पर कच्चा माल या अर्धनिर्मित माल नहीं होता है, तैयार माल खरीदती है उनमें केवल स्टॉक इन ट्रेड ही होता है। तो इसमें 3 पॉइंट होते हैं, लेकिन 3 में से केवल एक ही पॉइंट दे रखा है तो वही लिखेंगे,
है आपके ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग स्टॉक है वो दे रखा है इसमें 140,000 और क्लोजिंग स्टॉक है वो हम इसमें से लेस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है इसका स्टॉक इन ट्रेड का वो दे रखा है 200,000। अब देखो इसमें क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक का भी तो संख्या माइनस में आ जाएगी, माइनस में संख्या है वो कितनी आ जाएगी 60,000 माइनस में संख्या है, इसको इस प्रकार से हम ब्रैकेट में दिखा देंगे। अब इसमें से तो कोई मत होती इसी में से लेस कर देते, तो अब तो क्या करेंगे जो और एक्सपेंसेज है उसमें से हम क्या करेंगे इसको लेस करके दिखा देंगे, जब और एक्सपेंसेज का टोटल लगाएंगे उनके टोटल में से 60,000 रुपये को हम लेस कर देंगे। तो तीसरे नंबर पर जो एक्सपेंसेज आता है आपके चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, ये आपके आ गया है। इसके बाद में देखो आपके चौथे नंबर पर आता है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेज, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं नंबर डाल देता हूँ जो एक्सपेंसेज आते हैं इसमें। ये आपके दूसरे नंबर पर आता है चेंजेज इन इन्वेंटरीज, आपके तीसरे नंबर पर आता है और चौथे नंबर पर एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेज। बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आता है ये मैंने आपको पहले बताया था, कर्मचारियों की सुविधा के लिए, कल्याण के लिए, या कर्मचारियों को जो हम भुगतान करते हैं पारिश्रमिक के रूप में वो सारे खर्चे आते हैं। कर्मचारियों को वेतन मजदूरी देते हैं, ग्रेच्युटी फंड देते हैं, प्रोविडेंट फंड देते हैं, कर्मचारियों के मेडिकल के ऊपर कोई खर्चा होता है या उनकी कैंटीन का खर्चा होता है, जो कर्मचारियों की सुविधा के ऊपर करते हैं वो सारे खर्चे किसमें आते हैं एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेज में आते हैं। तो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेज में इसमें जो मदे हैं वो देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, वो मदे अपने को छांटनी है इसमें। इसमें आपके दे रखा है आपके एक तो मेडिकल एक्सपेंसेज दे रखा है, तो मेडिकल एक्सपेंसेज दे रखा है सबसे पहले तो मेडिकल एक्सपेंसेज बाद में है, पहले दे रखा है आपके सैलरीज, तो सैलरीज है वो हम लिखेंगे, और सैलरीज है इसमें 540,000 सैलरीज के बाद में फिर देखा है वेजेज, वेजेज दे 40,000 वेजेज में आ जाएगा, बोनस, बोनस भी इसी में आता है, कर्मचारियों को जो भी हम पेमेंट करते हैं वो सब एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में आता है, तो बोनस इसमें दे रखा है आपके 62,000 ये आ जाएगा। इसके बाद में है मेडिकल एक्सपेंसेस, तो मेडिकल एक्सपेंसेस है ये भी आपके इसी में आ जाएगा, और मेडिकल एक्सपेंसेस है दे रखा है इसमें 18,000। इसके बाद में दे रखा है ग्रेच्युटी, तो ग्रेच्युटी है ये भी आपकी इसी में आ जाएगी, ग्रेच्युटी है आपके 60,000 रुपये, तो 60,000 रुपये है ये भी हम दिखा देंगे। इसके बाद में है प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड है जो कर्मचारियों के लिए होता है, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज में आता है, तो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है आपके 80,000 रुपये, ये 80,000 रुपये आपके प्रोविडेंट फंड है, ये आपके ये बताते हैं बस। अब इसके अलावा इसमें और कोई मद नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस की जो है एक्सपेंसेस की मदें हैं इनका हम टोटल कर लेंगे। इनका जो टोटल है वो देखो इसमें इसका अमाउंट आ रहा है आपके 8,00,000 रुपये, ठीक है, ये 8,00,000 रुपये का टोटल एक्सपेंसेज है। तो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेज में हमने ये मदे दिखाई है, ठीक है, सैलरीज, वेजेस, बोनस, मेडिकल एक्सपेंसेज, ग्रेच्युटी फंड और प्रोविडेंट फंड, तो हम इसका टोटल यहाँ पर डायरेक्ट दिखा देते हैं 8,00,000 रुपये, और इन मदों को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हमने मदे लिख लिए कि एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेज में आपकी ये मदे है और उसके बाद भी बाकी जो एक्सपेंसेज है वो हम लिख लेंगे।
बाद में पांचवे नंबर पर आता है आपके फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? वित्तीय लागत। यानी कि कोई कंपनी है धन की या पूंजी की व्यवस्था करने के लिए जो खर्चा करती है वो सारे खर्चे फाइनेंस कॉस्ट में आते हैं। जैसे कंपनी ने क्या है, ऋण प्राप्त किया, लोन लिया तो लोन के ऊपर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। डिवेंचर्स है वो जारी किए तो ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान करना पड़ा, तो बैंक लोन के ऊपर ब्याज दिया जाता है, डिवेंचर्स पर ब्याज प्रदान किया जाता है, या लोन की प्रक्रिया पर कोई खर्चा होता है, लोन प्रोसेसिंग फीस है, या लोन संबंधी कार्यों के लिए अगर हमारे को कमीशन देना पड़ता है, ऐसे सारे खर्चे हैं वो इसमें आते हैं, फाइनेंस कॉस्ट में आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें प्रश्न में देखो आपके फाइनेंस कॉस्ट में कौन कौन सी मदें हैं। उसके लिए मैंने क्या बताया था कि कंपनी के द्वारा कोई ऋण प्राप्त किया जाता है, लोन लिया जाता है, ऋण पत्र जारी किए जाते हैं तो ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है, लोन के ऊपर ब्याज दिया जाता है, लोन प्रोसेसिंग फीस चुकानी पड़ती है, कमीशन देना पड़ता है, इस प्रकार का जो खर्चा होता है वो सब किस में आता है, फाइनेंस कॉस्ट में आता है। तो इसमें देखो आपकी जो मदें हैं इसमें कौन कौन सी है, इसमें दे रखा है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 70,000 रुपये, एक ही मद दे रखी है इसमें फाइनेंस कॉस्ट की, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो ये हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 70,000 रुपये। तो ये हो गया आपके फाइनेंस कॉस्ट की, इसमें एक ही मद है। फाइनेंस कॉस्ट के बाद में फिर आपके आता है छठे नंबर पर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन यानी कि डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में स्थाई संपत्तियां जो होती है, अब स्थाई संपत्तियां जो होती है फिक्स्ड एसेट्स, उनको भी हम दो भागों में बांटते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल यानी कि बिल्डिंग मशीन फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन होता है, वो तो इसमें डेप्रिसिएशन के नाम से आता है। और जो इनटेंजिबल एसेट्स आती है जैसे गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, अगर उनका मूल्य कम हो गया है, अगर उनकी कोई कीमत नहीं है, मार्केट वैल्यू नहीं है, तो उनको अपलिखित करना पड़ता है, उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो टेंजिबल या इनटेंजिबल दोनों ही के मूल्य में कमी होती है तो इस वाली हेडिंग में दिखाई जाती है। तो इसमें देखो आपके इसमें डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में आपके कौन कौन सी मदें दे रखी है, इसमें आपके दे रखा है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बस के एक ही मद दे रखी है 25,000 रुपये, वो हम दिखा देंगे इसमें। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 25,000, तो ये 25,000 आपके डेप्रिसिएशन इसी में दिखा देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ आपके, और बाकी जो मदें हैं वो हम लिख देते हैं। छह हमारे एक्सपेंसेस हो गए, और अब देखो आपके सातवें नंबर पर, सातवें नंबर पर आता है आपके अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस यानी कि अन्य व्यय, अन्य व्यय यानी कि ऐसे खर्चे जिन खर्चों को हमने इन छह पॉइंट के अंदर नहीं दिखाया है वो सारे अदर एक्सपेंसेस में आते हैं। अदर एक्सपेंसेस में खर्चे जैसे ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, इसके अलावा आपके प्रिंटिंग कोई चार्जेज है, स्टेशनरी का खर्चा है, टेलीफोन चार्जेज है, बैंक चार्जेज है, कैरीज, फ्रेट, भाड़ा वगैरह जो होता है वो खर्चा है, और अन्य ऐसे कई खर्चे ऐसे हो सकते हैं, वो सब खर्चे हम इसमें दिखाएंगे अदर एक्सपेंसेस में, यानी कि जो खर्चे हम इनमें नहीं दिखा सके हैं वो सारे खर्चे आपके अदर एक्सपेंसेस में आते हैं। तो अब देखो इसमें अदर एक्सपेंसेस में जो खर्चे हैं इसमें कौन कौन से दे रखे हैं वो देखिए, इसमें इसमें दे रखा आपके प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो सबसे पहले लिख देंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी है वो दे रखी है इसमें 25,000।
ठीक। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद में फिर दे रखा है सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 40,00,000, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 40,000, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस यानी कि बिक्री संवर्धन व्यय, बिक्री बढ़ाने के लिए जो खर्चे करते हैं वो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस में आते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके इसमें दो ही खर्चे हैं अदर एक्सपेंसेस में, वो देख लेते हैं, और कोई तो नहीं है इसमें। देखो डेप्रिसिएशन हमने दिखाई दिया था, वो डेप्रिसिएशन वाला अलग नहीं, और बस इसमें बस ये दो ही मदे हैं। तो ये इसके अदर एक्सपेंसेस की खर्चे हैं, ये हो गए आपके 65,000, ठीक है। तो अदर एक्सपेंसेस में हमने दो मदे दिखाई, इसमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसको मैं ये मिटा देता हूँ, तो ये अदर एक्सपेंसेस के आपके टोटल में आ गए। अब देखो हमने सातों पॉइंट आगे, उसमें सात में क्या है आपके इसमें जो है कि एक पॉइंट इसमें नहीं था सात में से, पोस्ट ऑफ मेट्रिक कंज्यूम, बाकी सातों एक्सपेंसेस में, छठों एक्सपेंसेस में देखें पहले नंबर का नहीं था, बाकी सारे एक्सपेंसेस इसमें थे। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सपेंसेस है इन एक्सपेंसेस का टोटल करके हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू में से लेस कर देंगे। ये हमने सारे एक्सपेंसेस हमने लिख लिए, अब क्या करेंगे एक्सपेंसेस जो है इनका टोटल लगा लेंगे। देखो ये माइनस की संख्या है, पहले प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ लेंगे, 13,20,000, 8,00,000, 70,000, 25,000, 65,000, इनका टोटल आ रहा आपके 22,80,000। और ये माइनस की संख्या है, ये प्लस वाली संख्या जोड़ करके इसमें से 60,000 रुपये हम लेस कर देंगे, 22,80,000 में से 60,000 लेस कर दी तो कितने बचे, 22,20,000, यानी कि इन खर्चों का टोटल है 22,20,000 आ रहा है। जैसे आए 22,20,000, ये 60,000 रुपये इनके टोटल में से लेस कर देंगे इसके बाद में, और 22,20,000 है वो किस में से घटा देंगे, 33,20,000 में से घटा देंगे। तो 33,20,000 में से घटा देंगे तो शेष अमाउंट है वो आपके कितना आ जाएगा, 11,00,000। ये 11,00,000 रुपये आ जाएगा रेवेन्यू बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स घटाने से पहले की आय। अच्छा इसमें क्या है आपके टैक्स का कोई अमाउंट इसमें नहीं दे रखा है, तो बस यही तक करके छोड़ देंगे। तो रेवेन्यू भी लिख सकते हैं या इसमें प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि कर को घटाने से पहले का लाभ हमने क्या रखा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था इसका पांचवा इलस्ट्रेशन, जिसमें लगभग अपने सारी मदे आ गई है लगभग, और अपना पीएनएल स्टेटमेंट तैयार हो गया। तो ये जो इलस्ट्रेशन है इसको आप एक बार फिर से आप रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन है अपने कंप्लीट हो चुके हैं, अब क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को अपने को करना है।